हेलो फ्रेंड्स, कई बार फ्रेंड्स हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या नोइंग पर्सन ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल पर कुछ प्रॉब्लम जब आ जाती है तो फ्रेंड्स हमें उनके मोबाइल पर एक्सेस करके उनके मोबाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं दो मोबाइल हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे किसी नोइंग पर्सन या किसी रिलेटिव का फोन है और सेकेंड जो हमारा मोबाइल है वो हमारा अपना मोबाइल है। तो हम जो सेकेंड वाले मोबाइल को अपने वाले मोबाइल से एक्सेस यहाँ पर करेंगे तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें कुछ एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसमें कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो एक मोबाइल है ओप्पो का F1S है और सेकेंड यहाँ पे जो मोबाइल है वो रेडमी का 6A है। तो फ्रेंड्स फटाफट हम इसके प्ले स्टोर में जाते हैं और एक एप्लीकेशन जो कि है एनी टेस्ट के नाम से, उसको फ्रेंड्स हम फटाफट इसमें दोनों के दोनों हमारे जो मोबाइल है उनमें फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं इसमें जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे देखिए ओपन करने के लिए मेरे को ऑप्शन भी आ गया, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ओपन होने का सेम यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आप एक्सक्लूड रख सकते हैं एनीडेस्क को, जिससे क्या होगा कि इसकी वजह से एनीडेस्क आपका क्लोज नहीं होगा, हमेशा इसमें चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एनीडेस्क का टिपिकल जो यहाँ पे सारे के सारे हमें स्किप कर देने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है यहाँ पे एनीडेस्क जो है रेडी हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं एनीडेस्क इज रेडी शो करने लगा और यहाँ पे इसका एनीडेस्क का एड्रेस भी आ गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा रेडमी 6 है इसमें हमें एक और एप्लीकेशन साथ में इंस्टॉल एनीडेस्क का प्लगइन्स जो होता है वो मैं इंस्टॉल करना होगा, तो वो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये जो प्लगइन्स है ये कुछ डिवाइसों में डिफरेंट डिफरेंट भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे आ रहा है एनीडेस्क कंट्रोल प्लगइन AD1, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और अभी फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो इंस्टॉल का ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन आपको इसमें इंस्टॉल करके रखना है फ्रेंड्स। लेकिन किसी किसी मोबाइल में ये आपको प्लगइन्स जो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे ख्याल से वर्जन का इशू रहता है पे OS के वर्जन का। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे जो रिमोट डिवाइस है उसका मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो है एनीडेस्क इंस्टॉल हो चुका है और फ्रेंड्स अभी मैं उसको यहाँ पे ओपन करके रख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ जो मोबाइल ओप्पो F1S में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स एनीडेस्क यहाँ पे मुझे ट्यूटोरियल दे रहा है कि कैसे इसको यूज करना है, तो नॉर्मल से चीजें फ्रेंड्स इसको आप बारे में आपको पता चली जाएगा। और मुझे इस मोबाइल से अपना एनीडेस्क लेना इसमें कनेक्ट अभी नहीं हुआ है, तो एक बार अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे क्लोज करके ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार इसी तरह से आप क्लोज करके आप बंद कर देंगे तो इसका एड्रेस जो है यहाँ पे छोड़ने लगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सब फ्रेंड इस वाले अपने मोबाइल और इसको एक्सेस करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात है एनीडेस्क कनेक्ट करने का, नेट तो आपको कनेक्ट होना ही चाहिए, तभी आपका वहाँ पे ये जो नंबर है जनरेट करेगा और एनीडेस्क जो साइन है राइट क्लिक है ये इस पे आएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे जैसे कि जिस मोबाइल को एक्सेस करना है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर रिमोट एड्रेस है इसमें यहाँ पे फिल करना हो। तो फ्रेंड्स आप नंबर आ रहा है वो डाल दीजिए 7848045 31 और डालने के बाद नॉर्मली से यहाँ पे सिंपली ये जो बटन है इसको टैप कर दो। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दूसरे मोबाइल पे आपका इस टाइप का मैसेज आएगा। इस मैसेज में सिर्फ खाली ये है कि ये अवेयर कर रहा है आपको कि आपकी डिवाइस जो है एक्सेस होने जा रही है। तो फ्रेंड्स आपको अवेयर ये रिस्क करके एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पे देखिए ओप्पो ये इसका नाम होगा मोबाइल का, ये एक्सेस करना चाह रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और नीचे यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा एनीडेस्क विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन जो पूरी तरह से वहाँ शेयर होने वाला। तो फ्रेंड्स उसको स्टार्ट नाउ पे आप टैप कर, तो आप जैसे ही ये करेंगे उसके बाद से क्या हुआ आपका जो यहाँ पे जिससे मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूंगा वो मेरा देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मोबाइल है ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीन जो है एक्सेस हो चुका है और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे देखिए इसका बटन बैक बटन ये भी काम कर रहा है। तो अभी आप मैं फॉर एग्जाम्पल कोई इसकी एप्लीकेशन इसको ओपन करना चाहें तो वो भी ओपन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका ओपन कैमरा यहाँ पे एक्सेस करना चाहूंगा तो देखिए ओपन कैमरा भी यहाँ पे ओपन हो गया है। और अभी इसका मैं फ्रंट वाला अगर मैं करूँगा तो आप देखिए फ्रंट वाला भी यहाँ पे ये हो गया, मतलब पूरी तरह से एक्सेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप अपने किसी भी दूसरे मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन इस टाइप से हेल्प कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन दे सकते हैं।